रूस यूक्रेन की लड़ाई के बीच इस समय यूक्रेन के पास बहुत लिमिटेड नंबर में टैंक्स मौजूद हैं, जिनमें से अधिकतर तो सोवियत के जमाने के हैं। यही कारण है कि यूक्रेन लगातार पश्चिमी देशों से, खासकर जर्मनी से लेपर्ड 2 टैंक की मांग कर रहा है, लेकिन जर्मनी इतना अत्याधुनिक टैंक्स को देने में हिचक रहा है। लेकिन कुछ रिपोर्ट तो ये कह रही है कि जर्मनी देने के लिए राजी भी हो गया है। ऐसे में सवाल होता है कि आखिर ये लेपर्ड 2 टैंक में है क्या जो यूक्रेन इतना डिमांड कर रहा है। तो देखिए, लेपर्ड 2 टैंक दुनिया के सबसे बेहतरीन टैंक में से एक है, जो पहली बार साल 1989 में सर्विस में शामिल हुआ। लेपर्ड 2 का रेंज 500 किलोमीटर है और इसकी टॉप स्पीड 68 किलोमीटर प्रति घंटा है। और रूस यूक्रेन के युद्ध में सबसे बड़ी ताकत ये है कि लेपर्ड 2 दुनिया के सबसे बेहतरीन टैंक में से वो टैंक है जो बहुत आसानी से यूक्रेन को अवेलेबल हो सकता है, क्योंकि यूरोप के लगभग 12 से भी ज्यादा देश इस टैंक को इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण लेपर्ड टैंक को यूक्रेन में पहुंचाने में न सिर्फ आसानी होगी बल्कि युद्ध के दौरान इसका रखरखाव में, इसके कल पुर्जे को बदलने में बहुत ज्यादा आसानी होगी।